नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे चैनल में फिर से एक बार। मैं हूँ आपकी वही अंजलि। इस बढ़ते दर्द को मत रोको, ये तो सजा है किसी के इंतजार की। लोग इन्हें आंसू कहें या दीवानगी, पर ये तो निशानी है किसी के प्यार की। देखा, आपने सही सुना, हम आज के डेली राशिफल की बात कर रहे हैं। सबसे पहले आज जिनका बर्थडे है या एनिवर्सरी है, उनको मेरी तरफ से ढेर सारी गुड विशेस। तो चलिए अब शुरू करते हैं। जीतने का मजा तब ही आता है जब सभी आपके हारने का इंतजार कर रहे हो। सारी दुनिया कहती है हार मान लो, लेकिन दिल धीरे से कहता है एक बार और कोशिश कर, तू जरूर कर सकता है। आप दुनिया की बातों में मत आइए, ये लोग नहीं चाहते कि आप तरक्की करें। आप अपने दिल की सुने और आगे बढ़ते चलें, आप जरूर सफल होंगे। देर से बनो पर जरूर कुछ बनो, क्योंकि लोग वक्त के साथ खैरियत नहीं हैसियत पूछते हैं। विजेता वो लोग हैं जो अनगिनत बार असफल होकर भी अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ते। वो अपनी असफलताओं को खुशी से स्वीकार करके अपने लक्ष्य की तरफ हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं। आपको भी अपने लक्ष्य की तरफ डटकर आगे बढ़ते रहना चाहिए, चाहे आपको कितनी भी असफलताएं क्यों ना मिले। लेकिन अपने लक्ष्य से मत हटना अपने लक्ष्य से। अगर आप ऐसा करोगे तो एक दिन आपकी जीत निश्चित है। सबसे पहले तो मैं आपको भाग्यशाली रंग बताऊंगी, तो भाग्यशाली रंग रहेगा नीला। और जो लकी जो नंबर है, वो नंबर आज के लिए नंबर 3 बन रहा है। आज जो है, सितारे आपके बारे में कहते हैं कि इम्पॉर्टेंट काम से रिलेटेड पैसा जुटाने में आपको काफ़ी समय लग सकता है, और किसी व्यक्ति के द्वारा मिलने वाला पैसा भी अटका रहेगा, जिसकी वजह से दिन में थोड़ी देर चिंता महसूस भी करेंगे आप। विचारों में ज़्यादा खोए मत रहिएगा और अपने काम को बेहतरीन तरीके से करने की ज़रा कोशिश कीजिए, जिससे जो है आपको बहुत ही अच्छी चीज़ें देखने को मिल सकती है। आज घर बार यानी कि घर से दूर कार्यरत वन सहकर्मियों को नौकरी के मामलों में संभल कर रहना होगा, यानी कि घर से बाहर जाकर काम करना पड़ सकता है। स्पेशली गवर्नमेंट जॉब वाले जो हैं, उनके लिए थोड़ी मुश्किल हो सकती है, संभल कर रहिएगा। यात्रा में परेशानियां हो सकती हैं, मानसिक उच्चाटन भी रह सकता है आज। आज वित्तीय संबंधी चीज़ें जो है, उन पर अपना विशेष ध्यान केंद्रित करना होगा आपको। साथ में सभी ग्रहों की जो स्थितियां हैं वो अनुकूल भी लग रही हैं। साथ ही साथ में नज़दीकी मित्रों और रिश्तेदारों का उचित सहयोग बनता हुआ नज़र आ रहा है आज के दिन। आज आपके घर में कोई मांगलिक कार्य से रिलेटेड प्लानिंग्स वगैरह भी बनाई जा सकती है। किसी भी अनजान व्यक्ति पर ज़्यादा विश्वास मत करिएगा, ना ही उनकी बातों में आइएगा, क्योंकि आपको नुकसान हो सकता है इस चीज़ से। आज पर्सनल कामों के साथ साथ परिवार की व्यवस्था पर भी ध्यान देना होगा, इस बात की और गौर कीजिएगा। नए काम की शुरुआत करते समय आपका जो विश्वास है पूरी तरह से आज खो भी सकता है, लेकिन आप अपने आपको जो है भावनात्मक रूप से मजबूत बनाकर कार्य करते नजर आने वाले हैं। जिन लोगों के साथ आप जुड़े हुए हैं, ये जुड़ना चाहते हैं, उनके साथ प्लीज़ पारदर्शिता रखिएगा। साथ में ही अपने व्यक्तिगत दायरे को बनाए रखने की भी आवश्यकता होगी। जो जिस पर्सनली है उसको पर्सनली रहने दीजिएगा, किसी से भी शेयर मत कीजिएगा, वरना कोई जो है आपकी पर्सनल लाइफ में दखल अंदाज करता हुआ नज़र भी आने वाला है आने वाले दिनों में। तो जितना हो सके अपनी पर्सनल चीज़ों को मत उजागर कीजिएगा। साथ में आज अध्यात्मिक और धर्म कर्म के मामलों में इंटरेस्ट बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है आपका, और आपके व्यक्तित्व में भी सकारात्मक परिवर्तन नज़र आ रहा है। आपकी प्रतिभा और क्षमता को दूसरों के सामने जाहिर होने के अवसर भी बनने वाले हैं। आप में जो भी टैलेंट है उसको और निखारिए, और दूसरों को जो है आगे इसकी आपकी जो टैलेंट है उसको दिखाइए कि आप में ये टैलेंट है। आप किसी प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकते हैं, स्पेशली स्टूडेंट्स और बच्चे, तो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। ये टैलेंट आपके भविष्य को संवार भी सकता है। बच्चों के पॉजिटिविटी गतिविधियाँ जो हैं उन पर जो है बहुत ही अच्छे से आपको ध्यान देना होगा। एक्चुअली बच्चों की हर चीज़ पर आपको फोकस करना होगा, पेरेंट्स इस बात को ज़रा समझिएगा। ध्यान रखना होगा कि नज़दीकी मित्रों और संबंधियों के साथ संबंध जो है वो अच्छे बने रहे, इसके लिए आपको बहुत ही अच्छे प्रयास करने पड़ेंगे। कहीं भी पैसा अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको सोच समझ कर करना चाहिए,
ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लीजिए पहले, या फिर किसी एक्सपर्ट से राय लीजिए तो ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए। तो अब बात कर लेते हैं बिजनेस और कैरियर की। तो बिजनेस और कैरियर कहता है कि कार्यक्षेत्र पर ध्यान रखिएगा, सहयोगी और कर्मचारियों के साथ कहीं संबंध ना खराब होने पाए, कस्टमर्स के साथ ज़रा अच्छी डीलिंग करते हुए नज़र आइए, साझेदारी के बिजनेस पे भी आज कोई इम्पॉर्टेंट फैसला मत लीजिएगा। नौकरी पेशा जो लोग हैं, आज उच्च अधिकारियों के साथ काफ़ी अच्छा तालमेल बैठने वाला है उनका, तो आज जो है आप अपने सीनियर से कुछ सीख भी सकते हैं जो आपको जो है प्रमोशन के रास्ते पर लेकर जा सकता है। जब तक काम का पेमेंट आपको पहले नहीं मिल जाता, तब तक क्लाइंट के साथ किसी भी प्रकार की संधि या कार्य शुरू मत कीजिए। फंसाए जाने की आशंका भी बनती हुई आज नज़र आ रही है, तो इस बात पर आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होगी। आज व्यवसाय के स्थल पर आपकी जो उपस्थिति है वो बेहद इम्पॉर्टेंट है। समय पर पहुंच जाइए, क्योंकि ज़रा सी लापरवाही कार्यक्षेत्र की व्यवस्था को उथल पुथल या बिगाड़ कर रख सकती है। इस समय आपकी कोई भी प्लानिंग जो है, नई प्लानिंग स्पेशली, कामयाब नहीं होगी अगर आप काम पर नहीं आएंगे, समय पर नहीं आएंगे। इसलिए वर्तमान गतिविधियों पर ही ध्यान दीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आज आप किसी प्रकार से काम करते हैं तो इस बात पर अनेक बातें टिकी होंगी। पूरी तरह से अपना ध्यान काम पर बनाने की कोशिश कीजिएगा। तो इसी के साथ ही करियर की बात कर ली हमने, तो अब बात करते हैं आज के लव लाइफ के बारे में। तो लव लाइफ कहती है कि पार्टनर के साथ जो है आज अचानक से बातचीत बंद हो सकती है, या आपके लिए मानसिक तनाव का कारण भी बन सकता है, जिससे आपका मन नहीं लगेगा घर पर और आप कुछ खाए पिएंगे भी नहीं। साथ में आज पति पत्नी के संबंधों में किसी व्यक्तिगत बात की वजह से भी छोटा मोटा तनाव नजर आ रहा है। छोटी मोटी बातों की तुलना करेंगे आप, बल्कि आपको ये सब चीज़ें करना शोभा नहीं देता। प्लीज़ अपने रिश्ते को ज़रा जो है पॉजिटिविटी में ला कर देखिए तो अच्छा लगेगा। आपको समझने के लिए पार्टनर फिलहाल कोशिश कर रहे हैं। स्वभाव में अहंकार और जिद, प्लीज़ इन सब चीज़ों को दूर ही रखिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। घर परिवार की व्यवस्था बनाए रखने में आपका उचित सहयोग बना रहेगा। प्रेम संबंधों में दूर ही रहे जो लोग नए रिश्ते बनाने की कोशिश कर रहे हैं, नए फ्रेंड्स बनाने की कोशिश करें, अभी थोड़ी दूरी बना कर रखिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। खुद को ज़रा अभी मोटिवेट कीजिए, खुद को थोड़ा टाइम दीजिए इन सब चीज़ों में पढ़ने के लिए, तो वही आपके लिए ठीक रहेगा। वहीं आज स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं, तो स्वास्थ्य बहुत ही उत्तम नज़र आ रहा है। कभी कभी आपके विचलित मानसिक स्थिति का नकारात्मक प्रभाव क्षमता पर पड़ सकता है। आपको जो है अपनी पॉजिटिव सोच रखनी है ताकि सब कुछ पॉजिटिव होता नजर आएगा आपको। आज आपको जो है कमर दर्द भी हो सकती है कई लोगों को, तो ध्यान रखिएगा। गैस और पेट में दर्द की शिकायत उन लोगों को हो सकती है जो लोग मैदा ज़्यादा खा रहे हैं, बाहर की चीज़ों स्पेशली, तो खान पान पर ज़्यादा काबू रखिए, आयुर्वेदिक चीज़ों का सेवन करते रहिएगा। स्पेशली उन लोगों को जो लोग ज़्यादा टाइम कंप्यूटर्स के आगे, टीवी या फिर मोबाइल के आगे ज़्यादा स्पेंड करते हैं, तो प्लीज़ थोड़ी सी दूरी बनाकर रखिए तो आपकी सेहत और भी बढ़िया नज़र आने वाली है। इसके साथ ही चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अंत में आज के विशेष उपाय के बारे में। तो विशेष उपाय आज आपके लिए बारे में कह रहा है कि आज आपको शिव पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। और हाँ, अगर आप व्रत रखें आज के दिन, उससे भी बहुत ही ज़्यादा फायदा देखने को मिल सकता है। आपके जो है इसे मानसिक विचार भी शुद्ध होंगे। साथ में आज आपको गुड़ का दान करना बेहद आपके लिए शुभ फलदायक साबित होने वाला है। तो गुड़ और रोटी का दान करें, बहुत ही बढ़िया नतीजे देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।